यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। शहीद कैप्टन कपिल कुंडू, जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में लोगों को जिंदगी जीने का असली मतलब समझा दिया, जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में अपनी जिंदगी को इतना बड़ा जिया कि सालों सालों तक उन्हें देश भर में याद रखा जाएगा। और आज एक बार फिर से उन्हें, हालांकि उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन आज मौका है क्योंकि उनका जन्मदिन आज जो है इंतजार कर रहा था पूरा परिवार कि बेटा घर आएगा और जन्मदिन जो है वो उनका आज मनाया जाएगा। 10 फरवरी आज है, लेकिन उनकी शहादत जो है वो बहुत सारी सीख जो है वो देश भर में दी गई है। हालांकि जो उनकी कमी है वो पूरी नहीं हो सकती है। इस मौके पर हमारे साथ शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की माता जी इस वक्त मौजूद हैं। आज उनका जन्मदिन था, क्या कुछ तैयारियां थी पहले से? बेटा, मेरे को तो पता नहीं था कि मेरा बेटा आ जाएगा, क्योंकि वो मेरे को तो सरप्राइज देता था। इसकी बहनों ने ही तैयारी कर रखी थी कि मेरा भाई आएगा, मम्मी को भी लेके जाएंगे स्टेशन पे। होटल में टेबल वगैरह बुक कर रखी थी कि अपने भाई को सरप्राइज देंगे, लेकिन सरप्राइज तो बेटा और ही मिल गया, क्या कह सकते हैं अब, कुछ नहीं। देखिए, उनकी कमी हम कुछ भी कह लें, लेकिन उनकी कमी जो है वो किसी भी शब्दों में, किन्हीं भी मायनों में जो है उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आज जाहिर तौर पर बेटा तो याद आ ही रहा है, आज एक माँ है आप, आज किस तरह से पहले वो हमेशा अपना क्या कुछ किया करते थे? नहीं बेटा, अभी तो स्कूल लाइफ थी उसकी, अपना सिंपली बर्थडे मनाता था। कोई ऐसा नहीं था कि भाई वो कोई धूमधाम करता हो, उसको शौक ही नहीं था ज़्यादा अपने बारे में सोचने का। स्कूल लाइफ से निकला था, एनडीए में चला गया, आईएमए में चला गया, अब उसकी पोस्टिंग हो गई, उसने अपने बारे में तो कभी सोचता ही नहीं था। हम ही सोचते थे उसके बारे में, जो सोचते थे वो अपने बारे में कभी नहीं करता था, शौक ही नहीं था उसे, बस अपना सिंपल रहना और अपने जो उसने अपना बना लिया उसमें ध्यान उसका, बस कि मेरा उद्देश्य क्या है, बस वही ध्यान था उसका। बर्थडे की तरफ कोई ध्यान नहीं था, एनडीए में भी किसी को बताता ही नहीं था कि मेरा बर्थडे कब है। एक्चुअली 6 साल पहले आज के दिन उसके पापा का अंतिम संस्कार हुआ था। आज उसके पापा के अंतिम संस्कार को 6 साल हो चुके हैं। 8 फरवरी को उसके पापा एक्सपायर हुए थे और अंतिम संस्कार उनका 10 फरवरी को हुआ था, तो इसलिए वो अपने बर्थडे के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन फिर भी हम उसको विश करते थे कि एक ही बेटा है, कोई नहीं बेटा, ये तो सब जीवन में चलता ही रहता है, लेकिन वो अपनी तरफ से बर्थडे के बारे में नहीं सोचता था। लेकिन इतनी कम उम्र में, क्योंकि 23 साल की महज उम्र थी उनकी, लेकिन उन्हें जिंदगी जीने का असली मतलब जो है वो पूरी दुनिया को बता गए। बेटा, मुझे ही नहीं खुद पता था कि मेरे बेटा का मतलब इतना बड़ा वो है, मेरे से तो बिल्कुल ही नॉर्मल बातें करता था। अब जाने के बाद मालूम पड़ा है कि मेरा बेटा क्या था, लोगों के दिलों में कितनी जगह बना गया है, देश के लिए क्या कर गया है, वो बेटा मेरे को अभी मालूम पड़ा है। मैं तो अपने बेटे को वही सोचती थी जो मैंने, कि मेरा तो भोला भाला सा है, अपनी जॉब करके नॉर्मल आ जाएगा। मुझे नहीं पता था कि वो 1 साल में इतना कुछ करके और इस तरह देश का नाम भी किया है, हमारा भी किया है, गांव का भी किया है, सबका ही नाम कर दिया उसने बेटा। बचपन से कैसे स्वभाव के थे? गंभीर स्वभाव था उनका या हंसी खेल कूद में जो है उनका रुझान था, या पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जो है फोकस रहते थे? नहीं, पढ़ाई की तरफ था, लेकिन माँ के सामने वो बहुत शांत रहे। कभी उसने शैतानी नहीं की घर के अंदर, बाहर भी नहीं की, स्कूल में भी नहीं की। उसको जो कहा कि बेटा यहीं रहना है, वो उसी तरह उठा बैठा है। सिर्फ उसका स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, उसके अलावा स्कूल में ही खेलता था, गांव में उसका कोई वो नहीं था कि उसको खेलने जाना ज़रूरी है। नहीं, स्कूल से आने के बाद अपना पढ़ाई लिखाई की और अपने घर के अंदर अपनी बहनों के साथ ही खेलता था। सेना की तरफ कब उनका रुझान बना? कैसे हुआ कि सेना की तरफ अब जाना चाहिए, देश की सेवा जो है वो करनी चाहिए? बेटा, वो उसको 12th के बाद, जब उसका एनडीए में सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद उसने अपना इसी में बनाया कि भी मुझे कोई इसी मेरे आर्मी में ही रहना है और देश के लिए करना है। और कहा था हमने कि भी अगर आप बेटा ये नहीं कर सको तो, और जैसे मैंने उसको IIT के लिए मैं उसको कहती थी, लेकिन उसको पसंद नहीं था, कहने लगा नहीं मम्मी, मेरे को तो आर्मी में ही जाना है और करना है। देशभक्ति जो थी वो उनके अंदर कूट कूट कर भरी थी और वो दिखा भी, क्योंकि
लेकिन साथ ही क्योंकि उन्होंने जो लिखा था कि जिंदगी जो है वो लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, ऐसी कुछ पंक्तियां हैं, ऐसी लाइनें हैं जो वो लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं जितना बड़ा वो सोचते थे। बेटा हमें भी नहीं पता था कि मेरे बेटे की सोच कहाँ पर है। वो तो जब NDA से आया, शायद उसका 4th term था, तो एक दिन उसकी डायरी ऐसे ही मिल गई मेरे को। मैंने 2-4 कविता हिम्मत करके पढ़ी। पहले तो मैंने सोचा बेटा डायरी लिख रहा है तो पढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मैंने उसे पढ़ा। फिर मैंने उसको कहा बेटा ये तो लिखता है तो इसको सबको दिखाया कर। वो थोड़ा शर्मीला था वैसे, हमारे सामने ही हिचकता था। उसने कहा नहीं मम्मी अभी मैं किसी को नहीं दिखाऊँगा। उसने वहाँ अपनी पोस्टिंग के बाद ही उसने अपनी ये कविताएँ हमें व्हाट्सएप पर भेजनी शुरू की थी, नहीं तो उससे पहले वो किसी को नहीं दिखाता था। किसे देख देख के सीखे वो सब कविताएं लिखना, या खुद ही एक हुनर था उनके अंदर? खुद ही लिखना सीखा अपने आप ही। कहाँ से उसने प्रेरणा ली कुछ नहीं, वो अपनी बातें ना अधिकतर मन में ही रखता था या अपने दोस्तों से शेयर करता हो तो मुझे पता नहीं। लेकिन हम कह तो रही हमारे सामने तो बेटा वो ऐसे दिखता था कि जैसे इसको, जैसे आर्मी में बेशक चला गया है लेकिन इसको पता नहीं। मैं तो सोचती थी इसको गोली चलानी भी आती है कि नहीं आती, बंदूक पकड़ सकता है कि नहीं पकड़ सकता। दुश्मनों के छक्के उन्होंने छुड़ाए हैं। हाँ दुश्मनों के छक्के तो छुड़ा के गया, शहीद बेशक हुआ है लेकिन उससे पहले वो दुश्मनों के छक्के जरूर छुड़ा के गया। मुझे इस बात पे बहुत फक्र है, बहुत फक्र है मेरा बेटा। पहले एक डर था आपके मन में कि जब कहा कि सेना में जाना है, क्योंकि इकलौता बेटा था तो भेजते हुए एक डर भी था आपको? नहीं बेटा मुझे कोई डर नहीं था। डर तो बेटा मेरे को आज तक भी नहीं है, आज तक भी नहीं है कि मेरे बेटे शहीद हो गया है। डर तो मेरे को मन में अभी भी नहीं है, लेकिन यह है कि एक कोना है जो खाली हो गया है, जो खाली रहेगा हमेशा, माँ के लिए भी बहनों के लिए भी, उसे तो भर नहीं सकते। लेकिन डर बेटा मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने अपना बेटा आर्मी में भेजा। आज गर्व है क्योंकि बेटा भले ही शहीद हो गया है, जाहिर तौर पर एक माँ के दिल में वो कमी जो है वो जिंदगी भर पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन जो देश भर में एक गौरवान्वित जो महसूस करा रहे हैं वो आपको? हाँ बेटा गौरव महसूस करा, नहीं तो मेरे को कौन जानता था, कौन जाता था। जो इतनी दुनिया आ रही है वो उसी के कारण आ रही है, नहीं तो मेरे को तो कौन, मेरे नॉर्मल रिलेटिव्स या मेरे गांव वाले ही जानते थे। और उसके कारण तो पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं मेरे से मिलने के लिए, मेरे को कोई सांत्वना दे रहा है, कोई मेरा आशीर्वाद ले रहा है, वो सब कपिल के कारण ही है बेटा। वो सब जो है शहीद कैप्टन कपिल कुंडू के कारण ही है ये आज माँ कह रही है। हमारे साथ यहाँ पर शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की जो है बहन है, हालांकि उम्र में उनसे बड़ी हैं, लेकिन जो है बड़ी बहन से छोटी बहन हमारे साथ में है। भाई के जन्मदिन की तैयारियाँ आप करके बैठे हुए थे जिस तरह से माता जी ने बताया, तो उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। सोचा था काफ़ी साल हो गए उससे ट्रेनिंग करते हुए, तो अब की बार आएगा उसको सरप्राइज देंगे। आज आने वाला था, सुबह पहुंच जाता 9-10 बजे तक मेरे पास। आपको पता था वो आने वाले? हाँ मुझे पता था, उसने बताया तो एक को ही था बड़ी बहन को, लेकिन फिर हम सब लोगों ने आपस में मिलके उसी को सरप्राइज देने की सोची थी। हमेशा अपने बर्थडे को लेके वो एक्साइटेड रहते थे या उन्हें कोई क्रेज नहीं? नहीं उसे कोई क्रेज नहीं था अपने बर्थडे का। लेकिन आज भले ही देश भर में शहीद कैप्टन कपिल कुंडू को याद किया जा रहा है क्योंकि उनकी उन्होंने जो शहादत दी है देश के लिए वो उसकी कोई तुलना हो ही नहीं सकती, उसको उस शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता, लेकिन साथ ही सरकार की ओर से जो साथ मिल रहा है उससे खुश हैं आप? नहीं बेटा मैं उसके लिए नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे बेटे की कोई कीमत नहीं है, और जो उन्होंने अगर हमारे लिए कुछ करा है तो वो कोई उन्होंने हमारे पे एहसान नहीं किया है, एहसान नहीं किया है कि उन्होंने हमें एहसान करके कुछ दिया। और मेरी बेटे की शहादत की कोई कीमत नहीं है, ना मैं उनसे कुछ मांगूंगी ना मैंने मांगा है। वो सरकार की सोच है कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते, उसके बारे में बेटा मैं बात भी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं सॉरी अगर मुंह से कोई वो निकल गया तो वो नहीं, बस ठीक बेटा। क्योंकि फिर एक पॉलिटिकल इशू बन जाएगा ना, तो उसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है उसके। जो आ रहे हैं सब उसको करके जा रहे हैं उसके प्रेयर मीट, तो वो सब उन्हीं का ही वो है,
वो तो अपना नाम कमा के चला गया, उसकी ऑलरेडी रिस्पेक्ट है, तो इसलिए नो। सरकार से कोई खास मांग नहीं है, लेकिन जो जो वो अपनी तरफ से कर रहे हैं वो बिल्कुल कबूल है, लेकिन जाहिर तौर पर जो बेटी की शहादत है उसकी उसको ना तोला जा सकता है किसी भी मोल के साथ में, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है, अतुलनीय है वो। और साथ ही आज पूरा देश अपने इस बेटे पर गर्व कर रहा है।